इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। भोपाल की सबसे खूबसूरत इमारतों में शामिल है दारुल उलूम ताजुल मस्जिद। भोपाल रियासत की नवाब शाहजहां बेगम के आदेश पर 1877 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आज हम आप पहुंचे हैं एक ऐसी मस्जिद में जिसे मस्जिदों का ताज कहा जाता है और ये है ताजुल मस्जिद। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे बनाने का सपना तो बहादुर शाह जफर की हुकूमत में शाहजहां बेगम ने देखा था, लेकिन कहते हैं कि पैसों की कमी के चलते उनके जीवन काल में उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया था। ताजुल मस्जिद को बनने में 100 साल से भी ज्यादा लग गए। 1971 में मौलाना सैयद हशमत अली और अल्लामा मोहम्मद इमरान खान नदवी अजहरी की कोशिशों की वजह से फिर से इसका निर्माण शुरू हो पाया और 1985 में ये बनकर तैयार हुआ। सत्तर में और 80 के दशक में जब ताजुल मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा था तो उसी वक्त मुख्य दरवाजे की भी मरम्मत कराई गई और उसमें 1250 में बने सीरिया के मस्जिदों वाली कलात्मक सजावट जोड़ी गई। कुवैत के आमिर के योगदान से ये मुमकिन हो पाया, जिन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी को श्रद्धांजलि स्वरूप ऐसा किया था। ये है बेगम शाहजहां का महल और इसके ठीक सामने है ताजुल मस्जिद। वो चाहती थी कि वो अपने महल से इस मस्जिद को देख पाएं। उनका इरादा ये भी था कि मस्जिद के फ्लोर में बेल्जियम क्रिस्टल का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि इस मस्जिद का अक्स उसमें नजर आ सके, लेकिन तकनीकी कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि इस्लाम के अनुसार जो व्यक्ति नमाज अदा करता है अगर वो अपना रिफ्लेक्शन कहीं देख ले तो उसकी नमाज अदा नहीं मानी जाती, और इसीलिए अब इस मस्जिद के आंगन में रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। ताजुल मस्जिद की भव्यता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका मुख्य दरवाजा 74 फीट ऊंचा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद है, लेकिन सच्चाई ये है कि भोपाल की ताजुल मस्जिद को ये रुतबा हासिल है। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये दुनिया की 3 सबसे बड़ी मस्जिदों में शामिल है। कहते हैं कि मस्जिद के सामने का हिस्सा जिसमें कई सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक विशाल मुख्य दरवाजा आता है, ये डिजाइन फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे से प्रभावित है। 4 लाख स्क्वायर मीटर के इलाके में फैली इस मस्जिद में लगभग 1,75,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद के भीतर का उत्तरी इलाका महिलाओं की नमाज पढ़ने के लिए है, जबकि उसके पश्चिमी हिस्से में मुख्य प्रार्थना स्थल है। मस्जिद में बने 11 खूबसूरत मेहराब नमाज के लिए किबला की तरफ संकेत करते हैं। किबला यानी मक्का के काबा की दिशा। इन 11 मेहराबों में बीच का मेहराब मस्जिद के अंदर मुख्य प्रार्थना हॉल की पश्चिमी दीवार पर लगा है। ताजुल मस्जिद की गुंबद और मीनारें इसकी खूबसूरती में कई गुना इजाफा कर देती हैं। इस्लाम के भीतर धार्मिक और सैद्धांतिक विमर्श के लिए ताजुल मस्जिद में इज्तिमा का अंतर्राष्ट्रीय समारोह भी होता है। बेगम शाहजहां एक बहुत ही जहीन और पढ़ी लिखी खातून थी, इसीलिए
उन्होंने ना सिर्फ इस मस्जिद को बनवाया बल्कि इस मस्जिद में औरतों के नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से जगह भी बनवाई है। ये मस्जिद आर्किटेक्चर के हिसाब से तो बेहतरीन नमूना है ही, बल्कि यहाँ पर बेगम साहिबा के प्रोग्रेसिव विजन का अक्स साफ साफ नजर आता है। आप जब कभी भी भोपाल आएं तो यहाँ आना ना भूलिएगा।